हेलो दोस्तों, आपका माय स्टडी बाय विजय सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में वृत्तखंड देखेंगे। वृत्तखंड मैंने इसके पहले वीडियो में दोस्तों तेजीखंड पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम वृत्तखंड देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। जैसे देख लीजिए, कोई आर नाप की कोई मान लीजिए आर नाप की कोई त्रिज्या ले लीजिए, दो त्रिज्याओं से घिरे आकृति को क्या करते हैं, तृतीयखंड हो जाता है। ए बी ओ मान लीजिए, तो ये हमारा टोटल हो गया तृतीयखंड। वृत्तखंड निकालना है दोस्तों, तो देखिए इस दोनों त्रिज्याओं के बिंदुओं को मिला दीजिए। तो दोनों त्रिज्याओं के बिंदुओं को मिला देने से जो नीचे वाला पार्ट बचेगा दोस्तों, इसी को हम कहते हैं वृत्तखंड। इसी को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में लघु वृत्तखंड और दीर्घ लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड बताया था, तो इसमें भी देख लीजिए। देखिए जो छोटा वाला पार्ट देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा लघु लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और जो ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। इतना आप जान सकते हैं कि ये लघु वृत्तखंड हो गया, ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब सूत्र देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ले लीजिए यम पार्ट, कि ए बी यम, ए बी यम का क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे, ए बी यम का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले टोटल त्रिज्याखंड निकालेंगे। त्रिज्याखंड मतलब ये ए ओ बी, ये टोटल निकाल लेंगे। और टोटल में से अगर इस त्रिभुज जो दिख रहा है दोस्तों, त्रिभुज थीटा डिग्री में जो बना है, ये त्रिभुज की ए बी ओ, इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिज्याखंड में से, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये हमारा वृत्तखंड बच जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे। तो देखें दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी ओ, ए बी ओ का क्षेत्रफल, इसके लिए एक सूत्र याद कर लीजिए कि दोस्तों, कि 1/2 r² sin θ, 1/2 r² sin θ, ये सूत्र आप याद कर सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड, अब ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस ए बी ओ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्तखंड त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, इस ए बी ओ का क्षेत्रफल, इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सूत्र क्या होता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि थीटा बटा 360 × π r² माइनस, इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र ये है 1/2 r² sin θ। इतना आप याद कर लीजिए दोस्तों, ये हो गया हमारा सूत्र, ऐसे याद निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह पूछा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या द्वारा, त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना दे दिया 42 सेंटीमीटर, जिसे एक जीवा द्वारा केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाया जाता है, तो जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है और कोण दे दिया है कितना 45 अंश, कोण दे दिया है 45 अंश। तो अब सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, चाहे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो निकालिए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मतलब टोटल ए बी ओ, ए ओ बी टोटल, ठीक ना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 × π r² का, थीटा का मान 45/360 × π का मान 22/7, r का मान 42 × 42, कटा दीजिए इसको, 9 × 9 = 45 और 9 × 4 = 36, फिर 5 से कटा सकते हैं कि 5 × 8 = 40, 2 से कटा दीजिए 7 × 6 = 42, फिर 2 से कटा सकते हैं कि 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6,
फिर तो उतार लीजिए कि क्या क्या बचा है। तो यहाँ पर बचा है 1/4 गुणे, यहाँ पर बचा है 22 गुणे, यहाँ पर 3 × 42, 3 × 42। तो 2 से कटा दीजिए इसको, कि 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 1, फिर 2 से ये 11 बार। तो क्या आ गया दोस्तों, गुणा कर दीजिए 11 × 3 = 33, चाहे 11 × 3 से 21 में गुणा कर दीजिए। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 11 से गुणा कर दीजिए, 11 × 3 = 33 के 3 हासिल, 3 × 11 = 66 और 3 = 69, यानी इतना वर्ग सेंटीमीटर आ गया इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज मतलब ए बी ओ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो ए बी ओ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो अब इसके लिए सूत्र मैंने बताया था दोस्तों कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर। तो आर कितना लिया था दोस्तों, आर दिया था 42, ठीक है ना। तो 42 × 42 गुणे साइन थीटा का मान कितना दिया था, 45 अंक, साइन 45। और ये कटा दीजिए दो से इसको, 2 × 4 21 बार खत्म। तो 21 × 42 साइन 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो 1/√2, अंडर टू हटाने के लिए पर में ही कवर कर सकते हैं कि अंडर टू से नीचे गुणा है और ऊपर भी गुणा, तो अंडर टू खत्म हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए इसको, बचा 21 × 42 यहाँ पर अंडर टू बाटा में अंडर टू गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। दो से कटा दीजिए, 2 × 4 1, यानी 21 = 441 गुणा करेंगे तो 441 √2। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर आ गया ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे दोस्तों, इस टोटल देखिए इस तरह था ना, इस तरह था ये, तो इस टोटल क्षेत्रफल में से इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये लघु वृत्तखंड आ जाएगा। इसका मतलब कि वृत्तखंड बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे किसको, 693 में से 441 √2 घटा देंगे, 441 √2, 693 माइनस 441 √2 का मतलब दोस्तों यहाँ पर रख लीजिए दोस्तों, अंडर टू का मान की 441 गुणे अंडर टू का मान 1.414, 693 माइनस गुणा कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 623.58। इसको हटा सकते हैं, घटाने पर आ जाएगा 69.42 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह निकलता है दोस्तों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप कभी भी सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र, और फिर घटा देंगे दोस्तों तो ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक से चुनाव ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।